सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज, भारिप बहुजन महासंघाचे प्रदेश महासचिव तथा वाशिम जिल्हा अध्यक्ष हाजी मोहम्मद युसुफ पुंजानी यांचा राजीनामा। वाशिम जिल्ह्यात बहुजनांचा चेहरा असलेले हाजी युसुफ पुंजानी यांचा भारिपच्या सर्वोच्च पदाचा राजीनामा। राजीनाम्याचे कारण अजूनही गुलदस्त्यात। जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रभाव असलेले हाजी मोहम्मद युसुफ पुंजानी यांनी भारिपचे प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनवणे यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केलेला आहे। पुंजानी यांच्या राजीनाम्याने जिल्ह्याच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ। राजीनामा दिला परंतु पक्ष सोडणार नाही, पुंजानी यांची वत्सगुल मल्लाहीला प्रतिक्रिया। वाशिम जिल्ह्यात भारिपचे 3 नगराध्यक्ष, 52 नगरसेवक, 176 सरपंच आणि 335 ग्रामपंचायत सदस्य। जिल्ह्याच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ। पार्टी के अंदर अंतर्गत मतभेद शुरू थे, उस मतभेद को लेकर कहीं पार्टी के बदनामी ना हो, इसके लिए मैंने अपने जिलाध्यक्ष पद और महासचिव पद से दोनों पदों से राजीनामा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भी आप पार्टी के लिए उसी जोर शोर से काम करेंगे? मैं जब बाला साहेब अम्बेडकर जी ने मुझे जब इस जिले के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, उस समय में इस जिले में हरी भोजन महासंघ का एक भी नगर सेवक नहीं था। मैंने इस जिले में काम जब से शुरू किया तो 50 से ज़्यादा नगर सेवक और 3 नगराध्यक्ष हरी भोजन महासंघ के मेरा जिलाध्यक्ष कार्यकाल में बने, और जब नगर पालिका के चुनाव लगे उसी समय में भारी बहुजन महासंघ को जीत किस ढंग से दिलाई जाएंगी ये प्लानिंग करके मैं और मेरी पूरी टीम पूरे जिले के अंदर काम किया। उसका रिजल्ट आया, 50 से ज़्यादा नगर सेवक भारी बहुजन महासंघ के, 3 नगराध्यक्ष भारी बहुजन महासंघ के विजयी हुए। एक नगराध्यक्ष वाशिम नगर पालिका के नगराध्यक्ष सिर्फ 150 मतों से पीछे रहे, मैं तो चौथा नगराध्यक्ष भी भारी बहुजन महासंघ का ही चुन के आता था। बाद में रिसोड़ नगर पालिका के चुनाव लगे, वहाँ पर हम भारी बहुजन महासंघ का नगराध्यक्ष सेकंड नंबर पर रहा, जहाँ पर 2 नगर सेवक चुन के आए, मगर 2 नगर सेवक पर भी हमारे पार्टी को उपाध्यक्ष पद मिला। ये सब मान सम्मान पार्टी को मिलता देख बाला साहेब अम्बेडकर जी ने मुझे प्रदेश पर महासचिव का पद दिया, और मैंने उसी ढंग से पूरे महाराष्ट्र में भी दौरों पर हमने घूमकर पार्टी बढ़ाने का ही काम किया। मगर कुछ लोगों को कुछ दिन से मेरा वर्चस्व नहीं चल रहा था और वो मेरे ऊपर अलग अलग प्रकार के बदनाम करने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारे मतभेद की वजह से पार्टी को नुकसान हो और पार्टी कहीं बदनाम हो, इसके लिए मैंने दोनों भी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपने कहा था कि राष्ट्रवादी के दिग्गज आपसे संपर्क साधे हुए, क्या कहें? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मेरे साथ दिग्गज साधे हुए हैं, मगर देखो मैं बहुजनों के लिए काम कर रहा हूँ, ये पूरे जिले में सभी पार्टी के नेता देख रहे हैं, तो सभी नेताओं की ये चाहत रहती कि अपने पार्टी में बहुजनों को लेके चलने वाला नेता अगर आता है तो ये तो साजिक बात है ना। कोई भी पार्टी अपने हिसाब से अपने पार्टी का वर्चस्व चाहेगी तो लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने में जुड़े हुए हैं। सभी पार्टियों के मेरे को ऑफर्स आ रहे थे, मगर मैंने कभी भी कोई पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं भारी बहुजन महासंघ के साथ रह के बाला साहब को भी मैंने ये सब बातें बताई कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा पार्टी में हो रहा है, दूसरे लोग भी मुझे चाह रहे हैं कि मैं आऊं, मगर मैं चाहता हूं कि बहुजनों के लिए काम करूं, इसके लिए मैं भारी बहुजन। ब्यूरो रिपोर्ट, वत्सगुल्म लाइव साठी राम धनगर, कारंजा, लाड़।